उत्तरकाशी से है खबर। लगातार बारिश से यहां पर मौसम बदलता जा रहा है। बारिश ने चारधाम यात्रा की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बारिश से घनसाली बद्रीनाथ केदारनाथ मोटर मार्ग बंद हो गया है। सड़क पर मलबा आने से आवागमन भी बाधित हो गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह मलबा आ गया है। खासा परेशानियां यहां पर यात्रियों को हो रही हैं, क्योंकि बारिश से घनसाली बद्रीनाथ केदारनाथ मोटर मार्ग जो है वो बंद हो गया है। सड़क पर यहाँ पर मलबा आ गया है, जिससे जो आवागमन था वो बाधित हो गया। तो लगातार बारिश यहाँ पर देखी जा रही है। चारधाम यात्रा लगातार जारी है, ऐसे में जो लोग चारधाम यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस बारिश के चलते चरमराती हुई दिखती नजर आ रही। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। आपके सामने तीन तस्वीरें, तीन जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है, अलर्ट भी जारी है। तीन तस्वीरें अमरोहा में देखिए, किस तरीके से झमाझम बारिश देखने को मिली। घुटनों तक पानी यहां पर भर गया है। लोग इसी पानी के बीच से आने जाने को मजबूर हैं। खासा परेशानियां यहां पर लोगों को हो रही है। और वहीं देखिए दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की, जहां पर मौसम बदल गया है, तापमान में गिरावट है, सड़क मार्ग पर मलबा आ गया है, जिसके चलते यहाँ पर चारधाम यात्रा बाधित हो गई है। जिले में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर अभी आने वाले कुछ और दिन बारिश देखी जा सकती है। वहीं देखिए मौसम में गिरावट, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई। जोशीमठ से खबर है, यहाँ पर बादल फट गया है। बादल फटने से रास्तों को नुकसान पहुंचा है। बाद पैदल मार्ग जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। देखिए किस तरीके से जोशीमठ में यहाँ पर मौसम लगातार खराब चल रहा है। लगातार वहां पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर एक बादल फट गया, जिससे रास्तों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। उसके चलते पैदल मार्ग यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों ने हालांकि इसकी जानकारी प्रशासन को दी है और आगे अब प्रशासन इस पूरे रास्तों को खोलने की तैयारियों में जुट गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से नदी किनारे के घाट पानी में डूब गए। उधर केदारनाथ धाम में भी पिछले दो दिन से लगातार मौसम खराब है, बारिश देखने को मिल रही है, यात्रा भी प्रभावित हो रही है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवाओं पर असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से नदी किनारे के ये घाट है, जो की पूरे तरीके से पानी से भरे हुए हैं, जलमग्न है, और इसके चलते दो दिनों से जो बारिश हो रही है, हेली सेवाओं पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आज समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे, आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी काफी दूरी पर बहती थी, आज उसका जलस्तर 10 से 15 मीटर बढ़ चुका है। और बढ़ने के चलते जो यहाँ पर शिव की मूर्ति है, वह भी अगर बरसात लगातार जारी रहे तो वह भी डूब जाएगी। इसके अलावा जो घाट हैं अलकनंदा नदी किनारे, वह भी जलमग्न हो चुके हैं। और दूसरी छोर पे जो घाट काफ़ी ऊपर ऊंचाई ऊपर थे, वह भी जलमग्न हो चुके हैं। तो कह सकते हैं अगर लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जो घर हैं, जो ये आवास है लोगों के, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा। और मौसम विभाग की ओर से भी आज और कल और परसों तीन दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के चलते कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सचेत किया गया है कि वे नदियों किनारे ना जाएं और खास तौर पर अपना ध्यान रखें और देखते रहें कि किस तरीके से नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी कितनी गंदी, कितना गंदा पानी नदी में बह रहा है। नदी में लकड़ी बह के आ रही है, इसके अलावा अन्य जो सामान बह के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है वह काफ़ी मटमैला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जलस्तर काफ़ी बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि जो नदी किनारे लोग हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार धुंध छाने के चलते जो हेली सेवाएँ हैं वह भी पिछले दो से तीन दिन अभी तक वहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी ना होने के चलते वहाँ पर हेली सेवाओं को दिक्कतें आ रही हो। भले ही चार हेली सेवाएं मौसम खराब के चलते यहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन जो चार हेली सेवाएं हैं उन्हें यहाँ पर फ्लाइंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम खराब है। निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर जहाँ बढ़ गया है, वहीं
केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई है। इसके साथ ही जो केदारनाथ का यात्रा का आंकड़ा था वह भी 8 से 10 हज़ार में सिमट गया है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।